सर्वप्रथम मैं अपने और आपके पूर्वजों को स्मरण करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनका डीएनए हमारी रगों में है और वो इस धरा पे न आए होते तो शायद हम भी आज नहीं होते। मैं आपके और मेरे माता पिता को नमन करता हूँ जिन्होंने हमें बड़ी मुश्किलों से पढ़ाया, जब हम बीमार हो जाते थे हमारा इलाज करवाया और अपने स्नेहमयी स्पर्श से हमारी ऊर्जा को हमेशा बढ़ाया। आज रविवार के दिन जो आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर आज यहाँ आए हैं, आपको भी विशेष मैं आभार देना चाहूँगा। अनेक जातियों और धर्मों में समय समय पर कुछ लोग ऐसे पैदा होते रहे हैं जिन्होंने समाज में समानता, बंधुता, न्याय स्थापित करने के लिए समय समय पर संघर्ष किया है। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये सोचना चाहता हूँ कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। यही प्रश्न मैं आपसे भी करना चाहूँगा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य हमारे समाज को, हमारे कौम को सम्मान दिलवाना, हमारी माताओं बहनों की अस्मिता को बरकरार रखना, हमारे गरीब और कमजोर दुर्लभ भाइयों को आगे लेके आना है और अंततः एक बेगमपुरा बिना गमों का स्थान जो हमारे सतगुरु रविदास महाराज की परिकल्पना है उसका निर्माण करना हमारा अंतिम लक्ष्य है। हम देखते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों को जब हम गहराई से बारीकी से अध्ययन करते हैं तो कुछ चीजें निकल के आती हैं। अभी तक हमें उपलब्ध साहित्य या ज्ञान क्या कहता है, कहता है कि हमारा जीवन, हमारे बुजुर्गों का जीवन बहुत तकलीफ में, बहुत दुख में, बहुत दर्द में, बहुत गरीबी और बहुत जहालत में बीता है। कई बार हमें देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि उनके गले में हाली बांध दी गई, उनके पीछे झाड़ू टांग दिया गया कि अगर वो थूके तो उस हांडी में थूके और अगर वो कहीं से गुजरे तो उनके पैरों के कदम के निशान वहां न रह जाए इसलिए झाड़ू बांध दी। साथियों, आज आप अपने घरों में जाइए और अपने दादा परदादा नाना नानी से पूछिए कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ। मैं बताना चाहूंगा उत्तर भारत में एक भी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं, एक भी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं। पश्चिम भारत में नहीं हुआ, पूर्वी भारत में नहीं हुआ, दक्षिण भारत में महाराष्ट्र एक राज्य है, उसमें एक छोटा सी एक जगह है जहाँ पेशवाई काल में कुछ समय ये प्रथा क्रूर प्रथा रही, पर क्या उसको सारे समाज पे आरोपित कर देना और फिर हम सोचते हैं हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मसम्मान आएगा। जब हमारी बच्ची कॉलेज में जाती है तो जाते पूछते हैं किस जाति के, तो लड़का हमारा एडमिशन किस स्कूल में लेता है, बैठता है हॉस्टल में एडमिशन लिया तो गेट से ही कई बार पूछना प्रारंभ हो जाता है, क्या नाम बेटा, सर नाम क्या है, ये किसमें आते हैं। कुल मिला के वो जानना चाहते हैं कि आपकी जाति क्या है, आपकी जाति क्या है, और कई बार तो सीधे पूछ लेते हैं भाई किन के हो, कौन जात हो भैया। कहने का मतलब ये है जब हम ऐसी व्यवहारिक परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो इस तरह का चिंतन हमारे दिमाग में कहीं है, हमारे दिल में कहीं छुपा है, क्या आपको लगता है कि वो कॉन्फिडेंस से साहस से बता पाए। बाबा साहब ने 2500 साल का इतिहास खोज के निकाला। दरअसल छठी शताब्दी में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक धर्म, ये तीन धर्म पैदा हुए थे हिंदू धर्म की कुरीतियों के खिलाफ। अब 2500 साल का काम हमारे बाबा साहब ने कर दिया तो क्या हमारा कोई काम नहीं है, क्या हम हमारे महापुरुष के काम को आगे नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने 2500 साल का खोजा, क्या हम 1 साल भी ज्यादा नहीं खोजेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 2500 साल का जब और पीछे जाएंगे 3000 साल, 5000 साल, 7000 साल, 8000 साल और 10000 साल पुराना इतिहास आपके सामने आ गया, लेकिन उसकी चर्चा कम होती है। चर्चा हम कुछ घटनाओं की होती है जहाँ हमारा थोड़ा सा बुरा समय बीतता है। तो जब हम 10000 साल पूर्व जाते हैं
तो पता चलता है कि इस विश्व में एक सभ्यता थी जो सबसे पुरानी थी, सबसे भव्य, सबसे जानदार थी, वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो सभ्यता जब थी तो उस वक्त हमारे पूर्वज वहां राजा और महाराजा थे। डीएनए की रिपोर्ट आ गई है कि वो आपके और मेरे पूर्वज थे। हम उस वक्त के राजा महाराजा और वो सभ्यता पूरे विश्व की, पूरे विश्व की मैं बोल रहा हूँ साथी, सबसे पुरानी सभ्यता है। अवशेष मिल गए हैं। 1920 के आसपास उसकी खुदाई प्रारंभ हो गई थी, लेकिन चर्चा का विषय नहीं है। क्यों नहीं है? अरे जब हमारे पूर्वज राजा महाराजा थे, फिर ठीक है, वही कोई आक्रमण होते हैं, हमारे लोग सीधे शरीफ रहते हैं, वो छल कपट जानते नहीं तो युद्ध में हार जाते हैं, तो दूसरों का राज आ जाता है, कुछ महल गुलाम बन जाते हैं, तो क्या हुआ? थोड़ा समय हमारा खराब चला गया, तो क्या हुआ? हमारा थोड़ा समय गरीबी, जहालत और मजदूरी में चला गया। किस कौम के पूर्वजों ने ये समय नहीं देखा है? क्या राजपूतों की महिलाओं ने जोर नहीं किया है? क्या उनको मुसलमानों के सामने नीचा नहीं देखना पड़ा था? क्या ब्राह्मणों के जले नहीं काटे गए थे? क्या जाट और गुर्जरों को ठंड में खेती का काम नहीं करना पड़ा था? अगर हम हरित क्रांति की बात छोड़ दें, उससे पहले पैदावार होती नहीं है। भारतीय जो कृषि है वो मानसून आधारित है। मानसून अपने आप में एक जुआ है। इंडियन एग्रीकल्चर इज अ गैम्बल ऑफ मानसून। बारिश होगी तो फसल होगी। क्या काल नहीं देखे इस देश में? कौन सी जाति ने मुश्किल समय नहीं देखा है? क्या विश्व पे राज करने वाला अमेरिका क्या ऐसा ही था क्या? सिविल वॉर से पहले क्या हालात हुआ? 1949 से पहले चाइना के क्या हाल, जापान के समुदायों का क्या हाल था? साथियों, पूरे विश्व में प्रत्येक कौम में, प्रत्येक नस्ल में थोड़ा बुरा समय देखा है। थोड़ा हमारा भी पूर्वजों का चला गया, तो क्या हो गया भाई? क्या होगा? फिर से उस खड़े होना है, हमें फिर से उस ताकत से खड़े हो जाना है जिस तरह से और जातियां खड़ी हो गई। गुलामी चली मुगलों की, गुलामी चली अंग्रेजों की, लेकिन जैसे ही देश आजाद होता है, कुछ लोग छाती पे हाथ मार के खड़े हो गए कि हम वीर हैं। तो जब वो अपनी गुलामी को भूल सकते हैं, छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करते हैं, छोटी छोटी कहानियों को बड़ी बड़ी कहानी बता के अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ते हैं, तो हम जो इस देश के, इस विश्व की सभ्यता के मालिक थे, वो आज इतनी कमजोर हालत में क्यों दिखाई देते हैं? क्यों उनका मनोबल टूटा हुआ दिखाई देता है? साथियों, कोई कारण नहीं है कि हम अपने आप पे गर्व न करें। कोई कारण नहीं है कि हम अपने पूर्वजों पे गर्व न करें। कोई कारण नहीं है कि हमारे आने वाले पीढ़ियों पे हम गर्व न करें। कोई उन्नत बीज जैसे होता है, H Y Z सीड्स आपने सुना होंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, वो बीज जो सामान्य थे ज्यादा उत्पादन करेगा, HYV सीड्स उनको बोल। कोई उन्नत बीज अगर कहीं सूखे में पड़ा है, सालों पड़ा हुआ है, उसमें कोई पेड़ या पौधा या अंकुर नहीं निकल रहा है, लेकिन जब समय थोड़ा बदलेगा, बादल थोड़े छाएंगे, थोड़ी बारिश होगी, जैसे उसे नमी मिलेगी, उसमें से अंकुरण प्रारंभ हो जाएगा, देखते देखते वो विशाल वृक्ष बनेगा, अपने गुणों से आप सबको प्रभावित करेगा। आजाद देश को लगभग 70 साल से ज्यादा हो गए। मैं देख रहा हूं कि हमारे समाज के लोगों में राज करने की एक ऐसी उत्कंठा है जो रुक नहीं रही कि राज करना है, शासन करना है। तो साथियों, क्या ये आपने अर्जित किया है? नहीं, ये बीज आपके डीएनए में जो आपके अंदर गिरा हुआ, ये बीज जो राज करने का, जो भी मैंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में, वो क्योंकि आपके दादा परदादा ने राज किया है, वो डीएनए में आपके आ गया है। अब नौकरी लग गई है, थोड़ा पैसा आ गया, थोड़ा घर अच्छा हो गया है, थोड़ी सेहत अच्छी हो गई है, तो अब हमें क्या चाहिए? राज चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे डीएनए में, भाई डीएनए, तो धन संग्रह नहीं करना चाहिए, तो
जमीन प्राप्त नहीं करना चाह रहे, वो सोना खरीदना नहीं चाह रहे, वो क्या कह रही है, मुझे राज करना। हर कोई बच्चा शासन करना चाहता है। ये खूबसूरती कहाँ है? ये खूबसूरती आपके रगों में है जो दौड़ रही। ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, ये सत्य है कि हमें राज के साथ धन भी संग्रह करना है, जमीन भी लेनी है, सोना भी खरीदना है, बड़े घर और कोठियां बंगले भी बनाने हैं, अच्छे अच्छे दुकानें बिजनेस हाउसेस बनाने हैं। पर मूल में क्या है आपके, कि सत्ता वो मास्टर चाबी है। गौरवमय इतिहास को भूल जाते हैं और हम कमजोर इतिहास को ही पकड़े रहते हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, विनम्र आग्रह, इन कमजोर बातों को छोड़ दिए, अपने इतिहास की गोलमी बातों को पकड़ के बैठ गए। हिंदू वाटी सभ्यता से पहले और उसकी संस्कृति है, फिर हम युद्ध हार गए, दूसरे का राज आ गया, कमजोर हो गए, आजादी आ गई, संविधान आ गया, तो हम फिर उठ रहे। हमारी उठने की, हमारी प्रगति की गति बढ़ती जा रही है, परंतु अभी भी कुछ समस्याएं हैं हमारे बीच। क्या है, हम उन पर भी नजर डालना चाहेंगे। अंतर जातीय विवाह, मान लिया कि संविधान आपको इजाजत देता है, मान लिया कि बाबा साहब ने भी एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन आप जानते हैं कि वो उस वक्त ही फेल हुए, कोई सोशल कोई सामाजिक क्रांति तो नहीं बनी। अंतर जातीय विवाह बहुत तेज गति से हो रहे हैं, पूरी पूरी समुदाय तैयार हो गए, हाजी करो शादी, हमें कोई दिक्कत नहीं। समस्याएं हैं, कुछ अपवाद हैं जहां अंतर जातीय विवाह सफल हुए, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, उस परिवार को, उन बच्चों को हम आभार प्रकट करना चाहते हैं। कुछ अंतर जातीय विवाहों की परेशानी भी हमें देखने को मिलती है। क्या मिलती है, जब हमारे माता पिता बड़ी मेहनत से बड़ी शिद्दत से नौकरी करते हैं, धन कमाते हैं, फिर उनके बच्चे बड़े होते हैं, कई बार बच्चे मानते नहीं और उनकी इच्छा के विरुद्ध जाके शादी कर लेते, कई बार बुजुर्ग मन मार के स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उनको बीच बीच में अपमान के घूंट पीना पड़ता है। हमारे बुजुर्गों का किसी न किसी रूप में अपमान होगा। आप देखेंगे प्रभुत्व अधिकतर जो तथा कथित दूसरी जाति है उसकी चलने लग जाए, उनका लड़का है तो भी डोमिनेंट करेगा, उनके लड़के तो भी डोमिनेंस करेगा, कंट्रोल धीरे धीरे वो ले लेते हैं परिवार। यहाँ तक भी सब हो जाता, लेकिन कुछ घटनाएं मिली जहाँ मार दिया गया हमारे बच्चों को। पूरे देश में हम जाते हैं, सुनने को मिलता है कि किस तरह से हमारे बच्चों को मार दिया। सोचिए, वो बेटी वो बेटा आपका अगर पूरी उम्र जिंदा रहता तो क्या क्या माँ बाप अपने पूर्वजों परिवार के लिए करता, कितनी सेवा करता, अंततः दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है उस परिवार पे जिसपे घटना हो जाती। तो साथियों, जब तक जान की गारंटी हमारे बच्चों की नहीं हो, जब तक हमारे को कोई गारंटी नहीं दे रहे, जिन प्रकाश मैरिज करोगे 100% प्रकाश में, तो कोई जान से नहीं मारे तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जब तक जान की गारंटी नहीं है, सजग और सचेत रहना पड़ेगा। दूसरी समस्या शिक्षा, साथियों, हम कॉलेज में पढ़ाते हैं, हम देखते हैं एक स्कूल, एक कॉलेज, एक छत, एक पंखा, एक टीचर, एक माहौल, एक किताबें, एक यूट्यूब, फिर कौन रोक रहा है पढ़ने को भाई? कौन आपके सिर पे बंदूक लगा रहा है कि बेटा मत पढ़ो, बेटी मत पढ़ो? अब क्यों नहीं हमारे बच्चे शिक्षा में इतना आगे बढ़ जाए कि हम सब हमारे बड़ों का नाम रोशन करें? कौन रोक रहा है? क्या हो जा रहा हमारे बच्चों को? क्यों नहीं सारे टॉपर्स हमारी कौन से निकल रहे थे? हमें ये सोचना होगा, और कम से कम हम अपने फील्ड के एक्सपर्ट बने। आपका जो भी फील्ड है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, प्रोफेसर हो, नेता हो, अभिनेता हो, कुछ भी हो, आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट बने। एक्सपर्ट ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लें, विदेशी भाषा सीखे, साथ भविष्य की आवाज को सुनिए ध्यान से, भविष्य की आवाज क्या कह रही है। संप्रभु जो परिवार हैं, जो आर्थिक ठीक ठाक हैं, जिनकी शिक्षा ठीक ठाक है, आप देखिए उनके बच्चे विदेशों में जाके पढ़ रहे हैं, वहीं सेटल हो रहे हैं। कनाडा में 10-10 सांसद बन गए भारतीय मूल के, कौन है वो? अमेरिका में राष्ट्रपति की दौड़ में भारतीय मूल की महिला सामने आ रही है, कौन है वो? इंग्लैंड में 2-2 सांसद बैठे हुए हैं,
कौन है, हमारे बच्चे, हम कब उस लाइन पर। तीसरी जो समस्या मैं समझता हूँ, दूसरों के हम विचारों से प्रभावित रहते हैं, दूसरे समाज का थोड़ा सा भी कोई जहर डालेगा तुरंत उसके लाइन पर। क्यों है इतना प्रभाव, क्यों आप दूसरों से इतना आकर्षित होते हैं, क्या है ऐसा उनके पास, क्यों आप अपनी अपनी परंपरा से अपनी नींद से कटना चाहते हैं या कट जाते हैं, जाने क्यों, इस पे आपको सोचना होगा। इसका जो मुझे लगता है, क्योंकि हमारा एक स्वतंत्र तंत्र सिस्टम नहीं है, अपना एक सिस्टम नहीं, हमारा सिस्टम नहीं, मतलब हर चीज हमारी होनी चाहिए, हमारे चिंतन, हमारी परंपरा, हमारे बैठने के स्थान, हमारे इकट्ठे होने के स्थान, हमारे शादी ब्याह में समस्या आती है तो हम उसका समाधान निकाल पाए, वक्तों में कोई कंफ्यूजन हो गया है उसके लिए हम आधुनिक समय को देखते हुए उस परिवर्तन कर पाए, कुछ रीति रिवाज निकाल दें, कुछ कुरीतियों को हटाने के डिसीजन कर पाए हमारे बड़े बुजुर्ग। तो अगर तंत्र हम अपना बना लेंगे उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा तो हमारी सुरक्षा का भाव बढ़ेगा, सुरक्षा का भाव जब बढ़ता है तो सामाजिक शक्ति बढ़ती है, और सामाजिक शक्ति से ही सम्मान मिलता है साथियों। जिस जिस जाति ने अपने लिए सम्मान अर्जित कर लिया, लड़ झगड़ के अपना बैंक बना लिया, आज उनके बच्चे अपनी जाति का नाम अपनी गाड़ी के पीछे लिख के चलते हैं। तो सम्मान अर्जित करना पड़ता है। मैं अभी एक बहुत आर्थिक संपन्न गुर्जर समाज के एक व्यक्ति से बात हुई, तो हमारी बात हुई तो मैंने गर्व से स्वीकारा कि वहाँ एक समय था कि हम शहर में आते थे तो गुर्जर बताने में झिझक महसूस होती थी, जाट समाज में आपको ऐसी कहानी सुनाएगा, लेकिन उन्होंने अपना सम्मान अर्जित किया है, और सम्मान को थाली में रखकर नहीं देता, उन्होंने अर्जित किया है, अर्जित किया है। उनके नए लड़के लड़कियां कितना गर्व और कॉन्फिडेंस में घूमते हैं। आप देखें हमारे फैसले नहीं सुलझते, अदालत में चले जाएं, आप जाके देखिए शादी तलाक के सबसे ज्यादा मुकदमे किसके हैं, हमारे समाज के। क्यों, क्यों कोई ऐसी कोई परंपरा नहीं बैठ के हम उनके सोच समाधान कर रहा, कोई ऐसी गाइडिंग फोर्स नहीं कि बेटा ये गलत है, ये समाज के खिलाफ जा रहे, क्यों नहीं, हमारे समाज का इस तरह का कंट्रोल कि हम छोटी छोटी समस्याओं को पहले ही कंट्रोल कर। अगली समस्या जो मैं सोचता हूँ, सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए पर जो इतना सम्मान है, मैं साथियों वो एक समस्या मानता हूँ। सरकारी नौकरी से दाल रोटी चलेगी बढ़िया, रिटायर होते होते या रिटायरमेंट के बाद आप अच्छा घर कोठी बना सकते हैं, लेकिन मुझे बताओ कितने सरकारी ऑफिसर्स को आपने BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर, कारी चलाती देखी, कौन है वो लोग इन गाड़ियों को चला रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो सब के सब बिजनेसमैन हैं। नए युग की बात है, बिजनेस की तरफ बढ़ो, हमारा पैसा उस बहते हुए पानी की तरह है, मानसून में बारिश बहुत होती है, पैसा ही वर्षा बह के समुद्र में चला गया पानी, फिर सूखी हो गई जमीन। इसी प्रकार हमारा धन आता है, अगर आप अपनी सैलरीज को काउंट करें, पूरे देश की अरबों रुपयों की सैलरी हम हर महीने उठा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वापस चली जाती है आपके पास। सिर्फ आंकड़े बताते हैं, सिर्फ 40% आपके पास रह पाती है, बाइक खरीद ली, कार खरीद ली, घर खरीद लिया, कपड़े खरीद लिए, मोबाइल खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया, 60% वापस फ्लो करके। इसको रोको तो बिजनेसमैन का वो भी समस्या है, धन नहीं है, बड़ा पैसा लगता नहीं, बड़े बड़े बिजनेसमैन से आप जाके बात करो तो बताएगा कि उसके दादा ने कैसे दूध बेच के बिजनेस शुरू किया, बताएगा कि उसके दादा ने कैसे छोटी चाय की दुकान प्रारंभ की थी, बताएगा कैसे उसके पिताजी ने फैक्ट्री में छोटा सा काम शुरू किया, बताएगा कि कैसे एक प्रॉपर्टी का छोटा सा एजेंट उसके फादर लगे थे, लेकिन धीरे 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 आगे बढ़ रहे, प्रारंभ तो करना पड़ेगा ना, उसका इनिशिएशन तो करना पड़ेगा, जोत तो जलानी पड़ेगी ना, वो जलाइए आप और पैसे को रोकिए। एक और समस्या मैं चाहूंगा उसका डिस्कस करना, आपने अनुभव किया, आपने सीखा, लेकिन जब बताने जाते हो तो आपकी सलाह नहीं मानते, बड़ी एक समस्या, ज्ञान मान की बातें क्यों नहीं, हमारा जो समाज जो गरीब भाई वो कमजोर जब उसको एक दिशा देता है हमारा ऑफिसर, आप जैसा बुद्धिमान, आप जैसा संघर्षशील व्यक्ति, तो क्यों नहीं मानते, उनको आंख मूंद के अपनी आगे बढ़ गए भाई, उनकी सलाह माननी चाहिए, ज्ञान का सम्मान करना ही होगा।
कि ज्ञान भी ऐसा नहीं सुन लिया अच्छा लगा और फिर बह जाए हमारे उस पानी। संपत्ति को भी रोको, धन को भी रोको, ज्ञान को भी रोको, ताकत को भी रोको, अर्जित करो, संग्रहण करो, क्यूमुलेटिव उसको जोड़ो, उन्हें बढ़ाते जाओ। समाधान क्या साथियों? सबसे सबसे पहले जो जरूरी है सही 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 इतिहास की जानकारी, सही इतिहास की जानकारी, जो आपने कॉन्फिडेंस भरे, आपके बच्चों में कॉन्फिडेंस भरे, उनमें साहस की प्रवृत्ति को बलवित करे, किसी भी रूप में कमजोर न कर। जाति पे मैं एक बार बात कर लेना चाहूंगा, क्योंकि जाति तो आप लोगों ने देखा, ऐसा समय देखा है कि जाति पूछ ली बड़े बाजार में, कॉलेज के अंदर, किसी सेमिनार में, कोई फंक्शन में, आधी ताकत खत्म, जाति पूछ ली आधी ताकत। तो पहले उसी पे बात कर ले जो हमें इतना कमजोर कर सकती है, पहले उसी का इलाज हम कर लेते हैं। साथियों नाम पूछा, आपसे नाम लगा लेते हैं, तो जैसे आपसे जाति पूछे वैसे जाति बता देंगे, नॉर्मल और सिंपल रहता है, कुछ नहीं है। फिर आप उसके भी पूछ लीजिए, भाई आप उसने आपसे पूछे, आप उसकी पूछ लो, बात खत्म। इसे फील करने की, महसूस करने की घबराने की बात कहां है? अगर आपने कॉन्फिडेंस अपनी जाति बता दी तो फिर सामने वाले 50% ऊर्जा खत्म हो गई। ये भी खेल है, ये भी खेल है, ये भी खेल है साथियों। कॉन्फिडेंस से बता दी तो उसकी खत्म। साहब कांशीराम जो कि आधुनिक समय के सबसे बड़े राजनीतिक जादूगर हैं, उन्होंने कुआलालंपुर में भाषण दिया था और वहां वो जानना बहुत जरूरी है, भाव उसमें क्या है, निचोड़ क्या है। वो कहते हैं जाति जो है दो धारी तलवार है, अगर एक तलवार होती है तो एक तरफ से करनी है, ऐसे मारोगे तो वो ऐसे काटेगा। तो साहब कांशीराम कहते थे जाति जो दो धारी तलवार है, आप इसको एक तरफ आज तक हमें काटते होंगे ऐसे, पर मैं कहते हैं दो धारी तलवार है, आप इसको ऐसे करोगे तो शत्रु को भी काटेंगे। और उन्होंने कहा जब तक जाति खत्म नहीं हो जाएगी, क्यों? क्योंकि हमारे समाज में बहुत से ऐसे चिंतन चल पड़े, जाति तोड़ो, जाति खत्म करो। मेरे भाइयों आप जाति नहीं खत्म कर सकते, भाई आप लोग हम लोग तो छोड़ने के लिए तैयार हैं ही, लेकिन हमारे छोड़ने से छोड़ नहीं सकती। करप्शन स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप। अगर कमिश्नर मान ले रहे सत्य नहीं, कमिश्नर करप्शन कर रहा, भ्रष्टाचार कर रहा, एक कॉन्स्टेबल की हिम्मत है क्या वो भ्रष्टाचार खत्म करवा देगा? लेकिन अगर कॉन्स्टेबल भ्रष्टाचार कर रहा है, कमिश्नर साहब सोच लें तो भाई दो दिन लगेंगे, दो दिन ज्यादा बोल दू पर समझ नहीं। और जाति एक्सपोर्ट हो चुके, निर्यात होकर चले गए विदेशों में। आप ऐसा समझ गए, जाति का जो आनंद ले रही है लोग, वो जब तक जाति नहीं छोड़ेंगे तब तक जाति खत्म नहीं होगी। आप लोग तो रिसीविंग एंड पे हैं, हम लोग तो छोड़ना ही चाहते हैं, लेकिन जब तक ये खत्म नहीं होती तब तक हम इसको पकड़ने में मजबूत हैं। और कब खत्म होगी? जब आप जाति का इस्तेमाल आप भी करना सीखेंगे। और पहली बार साहब कांशीराम ने उस जाति के इस्तेमाल को करना सीखा। तो आपने देखा हम जैसे पोस्ट पर भी सीएम जैसी चीजें बनाए, फॉर्म भरोगे नौकरी मिलेगी, आईएएस के आईपीएस के आईएएस की कास्ट सर्टिफिकेट मिला, ये कब पूरी होगी भाई? आपको उठा के कितना बड़ा ऑफिसर बना दिया, फॉर्म भर रहे एमएलए बन गए, एमपी बन गए, कैसे पूरी होगी भाई? बड़ी बड़ी गाड़ियां आपके पास आ रही। अरे जाति अब तो आपको साथ ही दे रही है, जब कैबिनेट मिनिस्टर्स का एलोकेशन होता है तब भी साथियों जाति देखी जाती है, रिप्रेजेंटेशन प्रत्येक जाति से आ जाए। आपको समान समाज से सीखने की बात मिले, वो अपनी जाति के सभी बड़े बुजुर्ग इस बात को मानेंगे, अपनी जाति का पूरा साथ देंगे, देते कि नहीं देते। एक बार बड़े बुजुर्ग हाँ भी बोल दो आप भी शामिल हो, कोई एक ऐसा व्यक्ति कह दे जो कह दे दूसरी जाति के साथ देते दिन तुम्हें, एक व्यक्ति खड़ा हो गया सब ये कहेंगे हाँ भाई पक्का साथ देते। क्या सही नहीं साथ देते? क्या लीगल नहीं साथ देते? इलीगल नहीं भी देते हैं क्या? हाँ वो कहते हैं गलत समय बाद में देखेंगे, भाई अपना भाई पहले इसको बचाओ। यह शर्मा यह शर्मा थोड़ा बोल दो तो मुस्लिम थोड़ा देश आ जाए। ये सत्य ये दुनिया कर रही है। अच्छा कई बार क्या होता है कोई चीज हमें नहीं पता, मान लो तो जो चीज और कर रहे हैं वो आइडिया वो तरकीब वो तंत्र आपको भी इस्तेमाल कर लेते, करके तो देखो अति को तो साथियों पकड़ना ही पड़ेगा। साथियों हम तैयार हैं छोड़ देंगे, लेकिन जब सारे छोड़ देंगे नहीं छोड़ देंगे, पर तब तक तो हम पकड़िए पकड़ना सीखो। 5 साल अगर किस तरकीब जो मैं समाधान लगाना जा रहा हूँ वो कर लिए हमने, 5 साल के बाद आप इतने गर्व से दुनिया छोड़ के जाएंगे, मैं भी गर्व से छोड़ के जाना चाहता हूँ।
और जो सुना संघर्ष करेंगे क्यों करेंगे भाई संघर्ष? हमने कोई संघर्ष का टेंडर ले रखा है मेरे दादा ने कि आप कर रहे मैं कर रहा हूँ, हमने ठेका ले रहा है, हम राज कब करेंगे, उसकी प्लानिंग कब करेंगे, शासन कब करेंगे, बड़े बड़े बंगलों की प्लानिंग कब करेंगे, बड़े बड़े रिजोर्ट में कब घूमने जाएंगे? हमारे बच्चे भी जाना चाहते हैं, हमारा बच्चे भी घूमना चाहते हैं देश विदेश कब? तो ये जो है संघर्षों के आदि है साथियों, ऐसे नारे बंद करो, क्योंकि आप जब कंटिन्यूस टेंस में बात करने लग जाते हैं संघर्ष करते रहेंगे तो उसमें लगता है समाप्त कब होगा। इस एटीट्यूड के साथ हमें चलना होगा दैट वी हैव टू स्टॉप दिस स्ट्रगल मूवमेंट। हम राज की नीतियों पे बात करें तो राज की नीतियां हैं, इसको राज नीति कहा जाता है। हम बैठे हुए योजनाएं बनाए उन पर विचार करें। तो पहले साथियों जो हमने बात स्टार्ट की इतिहास का सही ज्ञान, तो उसमें पहले जाति पर हमने बात की। जाति साथियों कोई नहीं छुपाएगा, खुल के बताना शुरू करो, और खासकर अगर आप सुंदर हो, पैसे हैं, बड़ी गाड़ी है, अच्छी एजुकेशन है, अच्छी पोस्ट है, तो जबरदस्ती बताओ दूसरे को, बता के आओ घर में बात बात में, अच्छा अरे तो हमारे समाज की काफी कर रहा है, हम तो चवार कास्ट में कास्ट में बोल के बताओ, प्रचार करो आप कॉन्शियसली अटेंटिवली, आप देखो फिर इसको। हमें दूसरों की आलोचना पे ध्यान नहीं देना, हमें दूसरों की आलोचना पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ अपने पर फोकस करना है। दूसरे के देवी देवताओं की आलोचना मत करो, भाई बहन के पूर्वज है, वो जैसी पूजा करना चाहते हैं आपको पसंद नहीं आप मत कीजिए, पर उनकी आलोचना मत करो, वो किसी के पूर्वज है, उनके रीति रिवाज है, उनकी आलोचना मत करो, ये आलोचना छोड़ दो, दूसरों की आलोचना को फोकस हटा दीजिए, फोकस अपने ऊपर, अपने कौम पे, अपने परिवार समाज पे ले आइए, आप देखेंगे इसका कमाल। दूसरा जो है साथियों पहचान आइडेंटिटी क्राइसिस है, आप अपना गौरवशाली इतिहास जाने, सतनाम सिंह ने लिखी है चमार जाति का गौरवशाली इतिहास, अनेक जातियों की गौरवशाली इतिहास आ रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी आ रहे हैं, स्पोर्ट्समैन आ रहे हैं, साइंटिस्ट आ रहे हैं, अब वो निकल के आ रहा है साथ, तो पहचान आप जो है पकड़ो। डॉक्टर धर्मवीर है, प्रोफेसर सिंह बेचैन है, वो कहते हैं मूल को पकड़ लो विवाद सारा खत्म हो जाएगा। तो आपका आदि मूवमेंट आपका आदि धर्मी मूवमेंट आपका है, रविदास मूवमेंट आपका है, आपके पूर्वजों को जो एक एक समाहार करके अभी जो चल रहा है रॉयल मूवमेंट, आई एम यूजिंग वर्ड रॉयल, बहुत शानदार मूवमेंट है वो, रविदासिया एक मूवमेंट है। 2003 में इंग्लैंड की पार्लियामेंट, संत रामानंद महाराज जो कि पंजाब में एक डेरा है, डेरा सचखंड वाला जालंधर से 10 किलोमीटर, उन्होंने इंग्लैंड की पार्लियामेंट में कहा कि हम अपना स्वतंत्र इंडिपेंडेंट धर्म लेके आ, जो हमारे ही पूर्वजों ने बनाया है। अच्छा कोई धर्म अच्छा हो सकता है, हम उसके बारे में करेंगे, हम बात करें क्या मेरे पूर्वजों ने बनाया उसे, ये है वो रोड, ये वो मेजरिंग पॉइंट जिससे आप उसको पहचानेंगे। 24 मई 2009 को यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वियना में 24 मई 2009 को अटैक कर दिया कुछ लोगों ने उनपे, और उनके बहुत सारी गोलियां लगी, और 25 मई को वो धरती को छोड़ के चले गए। साथियों आप गूगल पे डालिए पुत चमारा की, पुत वाल्मीकि की, धीर रविदासिया की भी, मतलब बेटी बहुत शेर से पुराने, इनकी संरचना तभी प्रारंभ होती है। तो लोगों ने उनको दबाना चाह रहे, उन्होंने कहा ठीक है आप हमें दबा रहे हो अटैक कर रहे हो। अगले ही साल 2010 को 30 जनवरी 2010 को रविदास धर्म की घोषणा कर, 2011 में 10 की जनगणना होती, इंग्लैंड में भी रविदास धर्म के सेंसस हुआ और वहां लोगों ने उसको ऑफिशियली अडॉप्ट किया। बहुत सी चीजें निकल के आ रही, चमार में बुला दी गई थी, लेकिन पीएचडी मेरे जेल में इंग्लैंड में यूके में ऑनलाइन सर्वे हुआ कि इंग्लैंड में आज तक सबसे जबरदस्त जो लड़ाई है कौन सी थी। तो साथियों ऑनलाइन सर्वे में आया है वो बैटल ऑफ कोहिमा थी, बैटल ऑफ कोहिमा वही थी जिसमें चमार रेजिमेंट लड़ी थी, इतने झूठे आपके लोग रहे हैं। लेकिन क्या है साथियों इतिहास ढक दिया जाएगा, भुला दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा, हमें क्या मिलेगा?
हमें फिर वो कमजोरी जहालत की कहानियां मिली। एक समाधान जो हम कर सकते हैं कि मुझे वीडियो को साथियों आप सुनना समझना उनको आदर देना चाहते। बुद्धिजीवी ही वह व्यक्ति जो कई हजार साल से हो सकता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि समाज के अगुवाई कौन करेगा, समाज के अगुवाई उन्होंने बताया कि वो बुद्धिजीवी जो समाज के अतिरिक्त सोचता है, जो कई हजार साल तक की प्लानिंग कर सकता है। प्लान तो कोई भी कर सकता है लेकिन उनकी क्षणिक होगी, थोड़ा सक्सेस होगा, दूर तक की योजना बुद्धिजीवी बना सकता है। और इसमें हम एडम स्मिथ हैं, इकोनॉमिक्स के फादर हैं, उनका एक डिविजन ऑफ लेबर का सिद्धांत है। काम को गायक हो जाए, जो हमारे गायक हैं वो गाना गाए बेहतरीन, गाने में वो चाइना छूने, जैसे लता मंगेशकर, सोनू निगम हो गए, उदित नारायण, तो उन्होंने फ्रीज चुनिया उसमें जा रहे हैं। हम लोग भी ऐसे करके फ्रीज चुनिए और उसमें हाइक पहचान। तो आपको सुनने में मिलता है जैको फोल्डेड मास्टर किसी का मिलना, तो मास्टर हमने बनाना होगा। आपस में क्लासेस भी होंगे साथियों, ये मान के चलो, क्यों? क्योंकि हम इंसान सबके और पूरी दुनिया में हमारे भी होंगे। तो क्या है इसका समाधान? एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लो, न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना लो, एक लिस्ट बना लो। इस पॉइंट पे सब सहमत है? हाँ जी, चलो पहले ये काम करें। जिस पे कंफ्यूजन है उसको भी रहने दो, आप ही कर सकती हैं, आप ही कर सकते हैं जो दिल्ली में है, आपके पास बहुत बड़ा एज है। कैसे? आपने आर्थिक उन्नति कर ली, बच्चे भी ठीक ठाक है, घर भी ठीक ठाक हो गया है, आपके पास हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड जैसी विषम परिस्थितियां नहीं है कि एक पार से उतरे गए गाँव में जाने के लिए दो घंटे लगे, पांच मिनट में दूसरा घर है, दो मिनट में दूसरा घर है। राजस्थान जैसा ऐसा नहीं कि चलते जाओ तो टिब्बे टिब्बे कई देर में घर निकल। ओडिशा छत्तीसगढ़ जैसी गरीबी भी नहीं आपके पास, प्लेन एरिया है, पश्चिम बंगाल गुजरात के चक्रवात भी नहीं आते हैं। एक तरह से ज्योग्राफिकल कंडीशन आपके फेवर में है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबके यही है, और सबसे बड़ा राजधानी है, या पुलिस भी बहुत जल्दी कार्य करती है, कोई सामंतवाद जातिवाद उतना नहीं है। तो साथ ही ये बताऊं, हम दिल्ली वाले नहीं सोचेंगे पूरे देश के लिए तो कौन सोचेगा? इसके लिए आप क्या करें, आप अपने में से अच्छों को चुनिए, उन्हों को नहीं, रिश्तेदार कोई आगे बढ़ाने ऐसा नहीं, आप अपने काबिल को आगे बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि एक लड़ाई है, एक रेस है, घोड़े पे उस घुड़सवार को बैठाइए जो उस रेस को जीत के आप ले लेंगे। अगर विजय प्राप्त करनी है ना, तो आपको सही में शूरवीरों को सम्मान देना होगा, चूर के लाइए बढ़ाइए और विश्वास कीजिए आप अपनी इस योजना को उनके, ये करीब भाई आगे सब बैठे हम लोग है, विश्वास कीजिए। क्यों? क्योंकि हम आपके तो बच्चे हैं, हमारी लोगों में किसका खून है? आपका ही खून है, हमारा दिल में किसका है? आपका है, हमारे पूर्वजों का है, तो क्यों गर्व नहीं करेंगे आप अपने डीएनए पे? विश्वास कीजिए हम पे, हम आपका मस्तक कभी झुकने नहीं देंगे, ये विश्वास कीजिए। और आपने जो किया है हमें गर्व है, हम मतमत को बोलते हैं आपको, हमें गर्व है, मुझे गर्व है मैं आप जैसे कुछ इंसान हूँ, हमें गर्व है कि दुनिया के बेहतरीन इंसान हमारे पूर्वज हैं, हमारे माँ बाप हैं। आप सबको मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।